नेता किरण चौधरी ने आज अपने समर्थकों के घर पर चाय पानी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सिवानी मंडी में हुए नगर पालिका चुनाव में विजय हुए उम्मीदवारों के घर पर पहुंची किरण चौधरी ने कहा कि सिवानी मंडी इलाके में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सिवानी ने तो एक तरह से वो आईना दिखा दिया बीजेपी को कि जो इतने कूदते फिरते थे सारे झूठ और जुमले की सरकार, सिवानी ने पहल करी है। हमारे पूरे भिवानी हलके के अंदर सिवानी से ये पहल जो शुरू हुई है, ये पहल पार्लियामेंट और विधानसभा तक कायम रहेगी। इलाका और लोहारू क्षेत्र के अंदर किरण चौधरी ने अपने ससुर बंसीलाल जी का जिक्र करते हुए कहा कि श्री बंसीलाल जी ने इस लोहारू हलके के लिए अनेक विकास कार्य किए। जिस तरह से बीजेपी ने हमेशा झूठ की राजनीति करी और हर चीज को दरकिनार रखते हुए, आपने देखा कर्नाटका में क्या नौटंकी फैलाई, नौटंकी करी गई कि जहां जहां गांव गांव के अंदर जाना है, पुराना आदमी पहले, पुराने आदमी को साथ लो और फिर नए लोगों को जोड़ो, समझ रहे हो, पुरानों के साथ लेकर नयों को जोड़ो, एक नई धारा बनाओ ताकि ये बूंद बूंद करके ये आगे सागर बनेगा। और भाई श्रुति चौधरी अगर निकलती है भारी मतों से यहाँ से जीत के, तो फिर याद रखियो भाई इतनी मेरी लाठी के अंदर भी ताकत है, चंडीगढ़ में लठ मैं बजा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और उसके बाद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर बहुत विकास कार्य किए और उसी के बदौलत आज यहाँ की जनता उनको सिर माथे पर ले रही है। और ये चार साल जो हुए हैं हरियाणा के अंदर, मैं समझती हूँ इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता किसी प्रदेश का कि ऐसी सरकार आई। किसान जो है वो अपना माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं।